मित्सुबिशी वेबडी क्या है और मॉडबस कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, और मॉडबस एड्रेस के बारे में, हाउ टू मॉडबस कम्युनिकेशन RS-485 मित्सुबिशी वेबडी FRD-700 विथ मॉडस्कैन 32, और उसका केबल कॉन्फ़िगरेशन हम देखने वाले। ये मित्सुबिशी का मैनुअल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और पेज नंबर है 179, वायरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द PU कनेक्टर। तो आपको ये कनेक्टर है, इसको हम PU कनेक्टर कहते हैं, ये RJ-45 रहता है, और आपको इसके अंदर के तीनों केबल का यूज करना है। तो 3, 4, 5, 6, 3 नंबर की रिसीव प्लस रहती है, और 4 नंबर की सेंड माइनस, और 5 नंबर की सेंड प्लस, और 6 नंबर की रिसीव माइनस। ये आपको कनेक्ट करना है USB2 485 कन्वर्टर के साथ। मैं आपको वो कन्वर्टर दिखाता हूँ। आपके पास ये कन्वर्टर होना चाहिए, ये USB2 RS-485 कन्वर्टर एडाप्टर है। ये आपको ये यहाँ USB और ये जो वेबडिक के पिन आएंगे यहाँ आपको कनेक्ट करना है, और ये इस ये यहाँ पे ये रहता है D+, और यहाँ रहता है आपका D-। मित्सुबिशी का ये FRD वेबडी है, उसका आपका D3 और 5 D1 के साथ कनेक्ट करना है, और 6 और 4 D0 के साथ आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। ये आपका पिन है RS-485 का, ये RJ-485 है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, 1 से 8 तक पिन कॉन्फ़िगरेशन है। आपको यूज करना है वो 3, 5, 6 और 4। तो ये कनेक्टर यहाँ आपको मित्सुबिशी वेबडी के अंदर कनेक्ट कर देने का है, और ये आप फिर उसके बाद में आपको एक कन्वर्टर लगेगा USB2 RS-485। तो आपको ये पिन यहाँ पे कनेक्ट कर देने का, और यहाँ ये पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको D+ मिलेगा और D- मिलेगा। तो जो उधर से वायर अभी मैंने डायग्राम आपको वीडियो के अंदर दिखाई, तो उस हिसाब से आपको उसके साथ वायरिंग करने का है। आपको ये USB2 RS-485 की पिन आपको लैपटॉप को कनेक्ट करने की है।